मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूनियन के हमारे मुगलू साहब है और रहना जगह से जब हम अपनी पार्टी के पहले कन्वेंशन को मेरे साथियों ने मॉनिटर किया, ये इसलिए किया गया है, आज कोई इलेक्शन की बात नहीं है। शहर श्रीनगर में चंद ही इलेक्शन थे जो म्युनिसिपैलिटी की खाली सीटों के लिए थे। हमने सोचा कि हम शहर में अपने साथियों के साथ तारुफ भी करें और ये भी बताएं कि हम क्यों आखिर निकले। कहा दबा कॉन्ग मजे रंग बुल द्राव क्या है कि अपनी पार्टी है द्राई या वक्तस्वस्त द्राई क्या है। मुख्तलिफ लोगों के दिलों में मुख्तलिफ शकू मुख्तलिफ तबके फिक्र के लोगों का अपना अपना हमारे बारे में एक अंदेशा, सहाफतकारों का मुख्तलिफ तजिया हम देखते हैं। काश किसी ने हमसे आके पूछा होता, हमारे दिलों को चीर के देखा होता कि जिस दर्द के लिए हम निकले उस दर्द की दवा और कहा। मैं आज आप लोगों से दिल खोल के बात करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है ठंड है, ये भी मालूम है कि अल्लाह ताला ने इस बार जो मौसम हमारी इस वादी में जल्दी से बर्फ पड़ी ये बरकत थी, क्यों उस बरकत से एक बार फिर हमारे टूरिज्म प्लेयर्स के दिलों में थोड़ी सी धड़कने बढ़ने लगी। मैं उनको मुबारक देता हूं इसलिए कि उन्होंने ये मुसीबत का वक्त किस हिम्मत नहीं से आया, मुझे पूरा एहसास है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कम एहसास है जो उन लोगों पे गुजरी, शायद हमें उसका बहुत डायरेक्टली एहसास ना हो, लेकिन हमने जो आप पे गुजरा उसको इतना महसूस किया कि शायद बयान करना भी मुश्किल। मेरे साथियों मेरे भाइयों, इस श्रीनगर शहर की एक हिस्ट्री है। हम बार बार गिरे हैं, हम बार बार गिरे हैं, लेकिन बार बार उठे। शुक्र अल्लाह ताला का, हमें उठाने में किसी की जरूरत नहीं पड़ी बाहर से आने को। अगर हमने अपने आप को खड़ा किया, चाहे वो 2014 का सैलाब था, चाहे वो कोई और आफत थी, जब भी आफतें आई तो शहर श्रीनगर कंबर बस्ता होके एक दूसरे की मदद करके हम खड़े हुए। वही रिवायत आज फिर हमें कायम करनी है। इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें एक बार फिर खड़े होना है और वो देखना है कि जो चीजें हमें सता रही हैं, जो हमारी मौशियत को तंग कर रही है, जो हमारे नौजवानों को मजबूर कर रही है कि कहीं उनके लिए नौकरियां नहीं, जो हमारी बहनों को घरों में बिठा रही है, हाईली एजुकेटेड बच्चियां हैं हमारी। मुझे ये भी एहसास है कि हमारे गांव की तरह शहर श्रीनगर के लोगों के लिए कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जहां से वो दिन को सब्जी उगाएं या रोजमर्रा की चीजें वहां से निकालें। इनका दिन शुरू होता है इसी से कि वो काम कुछ करें। अगर बाजार खुलेंगे तो बाजारों में काम करेंगे, अगर मेरा फुटपाथ वाला फुटपाथ पे अपनी बिजनेस नहीं करेगा तो वो कहां से कमाएगा। अपने जिम्मेवार है, मैं नहीं कहूंगा कि खाली जो लोग हमसे पहले आए और जो लोग सियासत में थे वही शायद जिम्मेवार थे। हम सबको एक अहद करना पड़ेगा कि हम इस अपने शहर को कैसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाए। अभी जुनैद साहब कह रहे थे कि 60% शहर की सीवरेज ड्रेनेज है। जुनैद साहब 60% शहर की सीवरेज ड्रेनेज हो सकती है, लेकिन वो तो वही हालाते हैं जो नए बने। हमारे असल शहर की हालत जरा देखिए। अल्लाह आपको हिम्मत दे जो आपने
एक अपने सर जिम्मेवारी ली है, आप कामयाब हो जाएं। शहर को न सिर्फ स्मार्ट बनाना है, न सिर्फ खूबसूरत बनाना है, इसको प्रकृष्ट भी बनाना है। इस शहर में वो सब चीजें मौजूद हैं जो एक कदीमी शहर में मौजूद होती हैं। अल्लाह ताला ने हुस्न जमाल देने में हमें कोई कमी नहीं रखी है। हमारा मौसम दुनिया के बेहतरीन मौसमों में से एक है। हमारे लोग इतने शरीफ और सादा लोग हैं और इतने नरम तबीयत कि किसी से भी पूछे वो कहता है कि साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को अल्लाह ने क्या नामत दी है, ये नरमी कहां से। ये नरमी हमारी कमजोरी का एहसास नहीं है, ये नरमी हमारी बर्दाश्त की अकासी करता है। हमें बर्दाश्त है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब वो बर्दाश्त की हदें टूट जाएंगी तो शायद ये लोग उस दिन उन ताकतों को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने 70 साल में इनको धोखा दिया। धोखा देरी का वक्त गया, वो धोखे पे मबनी सियासत का वक्त गया। अब सच और सच्चाई की सियासत जो अपनी पार्टी का मकसद है, मकसद खाली हमारा ये है कि हम अपने लोगों के साथ सच्ची बात करें। अगर हम अपने लोगों को सच नहीं कहेंगे तो हम कल अपने खुदा को क्या जवाब देंगे। हम कोई मुख्तलिफ नारे नहीं देना चाहते, हम वो कहना चाहते हैं जो अचीवेबल। जब हमने रियासत की वापसी की बात की, मुझे बहुत साथियों ने कहा आप क्या ये कहते हैं, वो तो रियासत खुद वापस आएगी। आप कहते हैं नौकरियों का तहफ्फुज करेंगे, ये तो वो खुद करेंगे। आप कहते हैं कि जमीनों का तहफ्फुज करेंगे, ये वो खुद करेंगे। मुझे कहा गया आप कहते हैं हमारी सियासत डेवलपमेंट की सियासत है। मेरा आज सवाल है उन लोगों से, 72 साल में जब आप मुख्तलिफ नारों से हमें कहते हैं, कभी रायशुमारी कही, कभी ऑटोनॉमी कही, कभी सेल्फ रूल कहा, कभी ड्यूअल करेंसी कही, क्या क्या नाम नहीं आपने इजाद किए, आप बताइए वो कहा 72 साल में क्यों नहीं हमने देखा कुछ। जो डेवलपमेंट आपको करनी थी वो भी तो नहीं हम कहीं देख रहे हैं। डेवलपमेंट अगर आप इसी को कहते हैं कि कुछ जगहों पे आपने फवारे बनाए और लाइटें लगाई, तो जरा खुदा के लिए देखिए कि वो जगह भी यहां है कि जहां अभी बिजली नहीं है, वो जगह भी अभी यहां इस शहर में है जहां अभी तक पानी नहीं, नल का कनेक्शन अंदर नहीं है, बैतुल खुला अंदर नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि हमारे शहर खास को तबाह करने में इन्हीं सियासतदानों का हाथ था। कहां है हमारा वो नाला मार जो हमारी शहर खास की जीनत की अकासी करता था। कहां हमारा वो कदीम ईदगाह जहां लोग अपनी खुशियां मनाते थे। क्या ये जिम्मेवार नहीं है हमारी खुशियां छीनने के लिए। हम किसको जिम्मेवार ठहराए हैं? हमें आदत है कि हम दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं अपनी मजबूरियों के लिए, अपनी जो हमारी ये हुआ ये यहां से हुआ। अरे भाई इसके लिए तो हम खुद जिम्मेवार हैं, हम तो यहां खुद हुकूमत बनाते थे और चलाते थे। क्या ये सच नहीं है कि शहर श्रीनगर एक मखसूस पार्टी को 10 साल पहले तक बार 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 अपना मैंडेट देती थी। क्या दिया उन जमातों ने जिनको 60 साल मेरे शहर श्रीनगर ने मैंडेट दिया। जरा आज वो बताएं हमें, दूसरी जमात आई उनको भी 10 साल दिए, उनको क्या लगा कि चंद जज्बाती नारे देके सबज रंग की रुमाले लेके हमारी भूख प्यास को मिटाएगी, हमारे नौजवानों की नौकरियां उसी से बनेंगी, हमारी बच्चियों की जिंदगियां उसी से बनेंगी।
अफसोस, ये भी एक धोखा था। अगस्त 2019 हम समझते मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर रियासत का कोई भी बाशिंदा उस काले दिन को बुला सकेगा, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कौन? ठीक है, इस मुल्क की कयादत ने एक फैसला लिया, उन्होंने किया, लेकिन ये हमारे 70 साल जो सियासतदान थे वो कहाँ है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो जून 2019 में हमसे वोट मांगे थे कि हम 370 और 35A का दिफा करेंगे। दिफा तो दूर की बात है, वो तो बात भी नहीं उन्होंने की, वो तो यहां से 2019 को। और आज तक तो उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि उन्होंने क्या बात मांग वजीर आजम और वजीर दाखला से की। क्या ये हक हमें नहीं जानने का था? क्या ये उनकी ड्यूटी नहीं थी कि हमें वो बताते? हम भी गए दिल्ली और हम पे इल्जाम है कि हम क्यों गए वजीर आजम हिंद से मिलने के लिए। अरे मेरे भाइयों, किसके पास जाते? दवा तो वही है ना, और जब ये जाएंगे तब ये बड़े लीडर हो गए, और इनके बिना जब कोई जाएगा तो उसे मुख्तलिफ नामों से बुलाएंगे। नहीं, शर्म नहीं आती है? किसको कहते हैं? हमारे बुजुर्ग हम इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत करने का मतलब यह तो नहीं है कि हमारे मुंह में जबान नहीं है। अलायंस, कभी गुपकार अलायंस, कभी क्या अलायंस, कभी रेस्टोरेशन अलायंस, कितना कुछ बताओगे हमें, कितने ड्रामे दिखाओगे? कल तक तो आप कहते थे एक जमात को कि ये अडवाणी की क्रिएशन है, 21 साल तो उनको उस नाम से बुलाया। एक हमारे छोटे भाई हैं, उनको 5 साल तो ये बोला कि भाई ये तो फलां को बोलता है, मेरा बड़ा भाई है। आज दूध के तुले हुए वो कैसे हो गए? ये किस चीज का इतिहाद है? ये किस चीज का डर उनको ये इतिहाद करने पे मजबूर कर गया? हम सियासत में यकीन नहीं रखते। एक बयान ये आता है, दूसरे का बयान आता है, जो पावर के लिए पॉलिटिक्स करेगा उसके लिए लाना। कितने ड्रामे बताओगे हमें? और अभी तो पंचायतों के लिए इलेक्शन का ऐलान हुआ था, आप तो एक दूसरे पे कूद पड़े ऐलान करने में कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और उसके लिए भी मर पानस, उसके लिए भी जिम्मेवार अपनी पार्टी ससिल और क्या इसके अपनी पार्टी से नहीं है नवर बच क्यों कर तो यह सत्य वर नवर इस बच्चों से क्यों मुकाबल नवर नव नई नवन रत्न बच क्या करा नव रत्न बची करती करी अपनी पार्टी गुरसुस मोल छोड़े पाते। अभी देखिए अल्लाह के फजल से बहुत जल्दी असेंबली के इलेक्शन भी हो जाएंगे, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, जिसमें इनको हिस्सा लेना चाहेगा उसके लिए बाइकॉट। क्यों वहां हमारे देखते कि कहां हक क्या होना चाहिए, कहां बाउंड्रीज असेंबली, उससे बाइकॉट क्यों? बाइकॉट भी एक तरीका होता है किसी को साथ देने का। उस वक्त देखेंगे हम ये इतिहाद कहां रहेंगे, उस वक्त हम देखेंगे उस वक्त किस किन नामों से ये बोलेंगे, उस वक्त क्या किसको बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि साहब ये जो सब कहा जा रहा है ना हमें, ये बहुत पुरानी कहानियां। मेरी हाथ जोड़ के आज इस स्टेज से मैं उनको इल्तमास करता हूं, बहुत हुआ, हमारे बहुत बच्चे मरे, हमारा शहर पीछे गया, इस शहर में अब कोई सकत नहीं रही कि हम आपके ये डबोसले सुने। अब हमें सच बताओ, क्यों सच्चाई ही हमारा हल है, सच्चाई के बिना हमारे पास अब कुछ नहीं है। मैं आज आप लोगों को वादा देता हूं, मैं जितने श्रीनगर के स्टेक होल्डर्स हैं इन सबको वादा दिलाता हूं,
ये अल्लाह ताला के फजल से हम आपके हर इशू के लिए पेश पेश रहेंगे। आपका होगा वो अपनी पार्टी का अपना मसला है और अपनी पार्टी हर एक जायज मसले के लिए लड़ेगी। और एक और वादा आपके साथ, हम आपको कभी गदर वो चीज नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकेंगे, हम आपको वो ख्वाब नहीं देंगे। मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ जो नौजवान है, मेरे यहाँ जो ये बच्चियां हैं, इन सबको भी शौक है कि ये भी उसी तरह से खुशियां देखे, ये भी उसी तरह से अपना फ्यूचर मुस्तकबिल देखे जिस तरह से हर एक मुल्क में हर एक शहर में लोग देखते हैं।